दिया है, इसके हेयर्स हमने कटवा लिए। कमाल हो रहा है, अंदर अंदर ही अंदर। अच्छा, अंदर ही अंदर। गाइस अभी हो चुके हम मार्केट जाने के लिए रेडी। पॉल्यूशन लेवल बढ़ चुका है दिल्ली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉगर विनी। कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज है फ्रेंड्स संडे, तो संडे के दिन तो आप लोगों को पता ही होता होगा स्पेशल होता ही है, क्योंकि घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं करने के लिए। तो मैंने अभी सारा काम कम्प्लीट कर लिया है, कपड़े वगैरह ढूंढ दिए हैं और अभी मैं दिन का खाना बना रही हूँ। तो गाइस आज अभियान को टक्कू बना दिया है, इसके हेयर्स हमने कटवा दिए, काफ़ी लंबे हो गए थे और पर काफ़ी कुछ ज़्यादा ही छोटे हो गए हैं इसके हेयर्स। तो अभियान कैसा लग रहा है आपको ऐसे टक्कू बन के? अच्छा अच्छा लग रहा है। अच्छे लग रहे हैं आपको ऐसे हेयर अपने छोटे छोटे? अच्छा, कैसे मजा आया आपको हेयर कटवाने में? मजा आया। अच्छा, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है हाथों से? कमाल हो रहा है। ओके, तो अभिनल, तो गाइस आज मैंने अभिनल को पहनाए थोड़ा गर्म कपड़े, क्योंकि ठंडा भी हो गया है आज यहाँ पे, क्योंकि आजकल थोड़ा बहुत ठंडा हो रहा है और अभी हमने थोड़ी देर में मार्केट जाना है, तो इसलिए मैंने इसको अभी से रेडी कर दिया है। खाना खा के चलोगे कि खाना बाहर ही खाओगे? अच्छा क्या खाओगे बाहर? सब्जी रोटी खाओगे बाहर कि कुछ और खाओगे बाहर? और नहीं खाता। अच्छा लगता है खाने में? नहीं, चीनू? अरे क्या बोल रहा है, ढंग से क्या बोल रहा है? नहीं ढंग से बताओ, क्या अच्छा लगता है आपको खाने में? और ये बिस्किट और सब्जी लगती है अच्छी, और आइसक्रीम, जूस। अच्छा, जूस फेवरेट है आपका? गुम्मी लग रही है। अच्छा, जूस पीने के लिए गुम्मी है? इसने बहुत चालाक है गाइस, इन्हें जानबूझ के बोल दिया बच्ची, जानबूझ के प्यारी कर दो मम्मा। तो फ्रेंड्स आज के दिन के खाने में बना रही हूँ मैं राजमा की दाल और चावल। तो अभी मैंने दाल तो बना दी है, उबल रही होगी पर उसमें धनिया डालना भूल गई, अभी मैं उसमें धनिया डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी चलती हूँ किचन में। बिना धनिया के गाइस दाल में कोई मजा नहीं रहता है, जब तक धनिया नहीं डालो। धनिया डालने से कुछ अलग है। बेटे की इतनी मस्ती। अच्छा मस्ती, अच्छा इतनी मस्ती हो रही है विरल की। आराम से चलाना ठीक है। अच्छा अच्छा, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। अच्छा अंदर ही अंदर। अच्छा राउंड अराउंड, राउंड अराउंड। अच्छा इस तरीके से घुमाओगे साइकिल, वेरी गुड वेरी गुड। बेडरूम में भी लेके जाओगे क्या? फंस जाती है। ओके गुड बॉय, वेरी गुड बॉय अविरल। अच्छा इतनी फास्ट अविरल। गाइस को कुछ बोलोगे आप? अपने फ्रेंड्स को कुछ बोलोगे? फ्रेंड लोगों को बोलोगे कुछ? बोलो। अच्छा अगर कोई आपके फ्रेंड देखेगा वीडियो तो आप क्या बोलोगे उनको? हेलो गाइस बोलोगे? गाइस खाना बन के तो हो गया है रेडी, तो अभी हम पहले लंच कर लेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे हम आज मार्केट। तो आज मार्केट से हम क्या खरीदेंगे ये सारी चीज़ें तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, और कौन से मार्केट जा रहे हैं और कौन कहां कहां जाएंगे ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अपने वीडियो अपने ब्लॉग में बताऊंगी। गाइस अभी हो चुके हम मार्केट जाने के लिए रेडी, तो अविरल तो पहले से ही रेडी था। हो गए आप रेडी? हाँ। ओके तो गाइस अभी निकलते हैं हम मार्केट के लिए। अरे
कब लाएंगे? शाम को लाएंगे। गाइस आप लोग देख सकते हो रोड पे कितनी धुंध हुई है। ये धुंध वैसी नहीं है ठंडी वाली, ये पॉल्यूशन लेवल है। यहाँ पे नोएडा NCR में काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन लेवल बढ़ चुका है। सो गाइज अभी आ चुके हैं हम मार्केट से घर की। मार्केट में मैं ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी थी दीपावली की वजह से। और मार्केट में इतनी अच्छी सजावट हो रखी है ना गाइज, बहुत ही अच्छी हो रखी है सजावट। तो अभी मैं फिर से मार्केट जाएंगे हम दीपावली की कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो मैं मार्केट का भी दिखाने की कोशिश करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज मैं मार्केट से क्या लेके आई वो सारी चीज़ें मैं उसी ब्लॉग में दिखाऊँगी। अगर मैं आप लोगों को इसी ब्लॉग में दिखाऊँगी ये सारी चीज़ें तो काफ़ी ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आज वैसे ही मैच चल रहा है तो अभी हमें मैच देखना है। तो इंडिया ने काफ़ी अच्छे रन बनाए हैं तो काफ़ी लंबा हो जाता, तो क्योंकि अभी हमें मैच भी देखना है। तो आप लोग भी मैच देख रहे होंगे भारत का, तो आप लोगों को पता ही होगा कि भारत वाले इस बार कितना अच्छा, भारत की टीम कितना अच्छा मैच खेल रही है। एंड इस बार वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारी है, तो ये हमारे लिए और हमारे पूरे देश के लिए और इनके लिए हमारी इन तो ये हमारी भारत की टीम के लिए काफ़ी प्राउड की बात है और हमारे पूरे इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि हमारा अभी तो हम यही विश करेंगे, फिंगर क्रॉस करके रखे हुए हैं कि यही विश करेंगे कि इस बार पक्का हमारा इंडिया ही वर्ल्ड कप लेके आए। चलो देखते हैं क्या होता है। खैर मैंने आप लोगों को दिखाया होगा कि बाहर कितना ज़्यादा पॉल्यूशन लेवल बढ़ चुका है दिल्ली NCR में। अगर आप लोग दिल्ली NCR से हो तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि आज मैं हम खुद बाहर गए थे तो मुझे खुद लगा कि बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन लेवल बढ़ चुका है। तो हमें मास्क लगा के या हमें बच्चों को लेके नहीं जाना चाहिए इतने पॉल्यूशन लेवल में, क्योंकि बच्चों के लिए भी बहुत ख़राब है ये जो ये धुआँ हो रहा है, जो आजकल ये पॉल्यूशन लेवल जितना बढ़ चुका है ना बहुत ही ज़्यादा। तो मतलब हम लोग कोशिश करेंगे, हम जल्दी जल्दी हमने मार्केट में सारा काम निपटाया क्योंकि हमने कोशिश करी कि हम जल्दी जल्दी घर जा पाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अजीब सा हो रहा था मुझे भी। पर ये वाला एरिया जहाँ हम रहते हैं इस वाले एरिया में तो मुझे लगता है थोड़ा कम है, पर जो दिल्ली वाला एरिया है उस वाले में बहुत ही ज़्यादा है। पर दिन के टाइम तो थोड़ा कम हो जाता है पर शाम के टाइम बहुत ही ज़्यादा रहता है, शाम के टाइम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है पॉल्यूशन लेवल मुझे लगता है ऐसा। पर इस चीज़ पे पर हम लोग यही कर सकते हैं कि इसीलिए हमारा उत्तराखंड सबसे बेस्ट होता है। हम लोग तो यहाँ मजबूरी में रह रहे हैं पर हमारा उत्तराखंड सबसे बेस्ट है, जहाँ पे इतनी अच्छी प्योर हवा। अभी हम घर जाएंगे दीपावली में तो जब मैं आप लोगों को उत्तराखंड के ब्लॉग दिखाऊंगी तो आप लोग देखोगे वहाँ पे कितना अच्छा व्यू आता है पीछे से, नेचर कितना प्यारा है वहाँ पे, बिल्कुल भी पॉल्यूशन लेवल नहीं है वहाँ पे, बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।